अब साथ सोशल मीडिया पर देखिए एक और स्पेशल रिपोर्ट। अल्लाह तबारक व तआला को जो अमल बहुत ज़्यादा पसंद हैं उनमें एक अमल दो मुसलमान भाइयों में राजीनामा करवाना भी शामिल है। हर शहर और हर गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो बस्तियां खुश नसीब हैं जहां पर लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करवाने वाले लोग मौजूद हों। खोखरा में बुज़ुर्ग समाजी शख्सियत चौधरी मैदी हाँ का घर हमेशा हर नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। गुज़श्ता कई सालों से खोखरा के नौजवान चौधरी तकीर अहमद और चौधरी खुर्शीद एजाज के दरमियान रंजिश चली आ रही थी। गुज़श्ता दिनों ये रंजिश लड़ाई में तब्दील हो गई थी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। खोखरा के बुज़ुर्ग रियाशी चौधरी मैदी हाँ के फरजंद खोखरा में हर नेकी के काम करने में पहल करने वाली नौजवान समाजी शख्सियत चौधरी इंतज़ार मैदी मुकीम फ्रांस ने इस मसले को संजीदगी से लिया और दिल में सोचा कि ये दोनों एक गांव के रहशी हैं और दोनों ही घर भी अपने हैं। अगर इन दोनों के दरमियान सुलह ना कराएगी तो ये लड़ाई आने वाली नस्लों में चली जाएगी। चौधरी इंतज़ार मैदी मुकीम फ्रांस ने इस मामले पर चौधरी वकास शमशाद से बात की। चौधरी वकास शमशाद चौधरी इंतज़ार मैदी का भाइयों की तरह बहुत करीबी दोस्त है और हमेशा अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके साथ हाफिज चौधरी मजर इकबाल फतेहबन, आजी चौधरी सगीर अहमद खोखरा, मलक मुख्तार अहमद खोखरा और चौधरी मोहम्मद आजम खोड़ी आलम ने अपना भरपूर किरदार अदा करके इन दोनों के दरमियान खोखरा की जामिया मस्जिद में मस्जिद के इमाम साहब और खोखरा बुधवाल फतेहबन खोड़ी आलम और डिंगा के बहुत से मजीन में बैठकर राजीनामा करवा दिया। चौधरी तकीर अहमद और चौधरी खुर्शीद एजाज दोनों ने दिल से रंजिश ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगा लिया। चौधरी इंतज़ार मैदी और चौधरी खुर्शीद एजाज दोनों के घरों में राजीनामा में आने वाले मौजीन के लिए शानदार जुराने का एहतमाम भी किया गया था। हक सच न्यूज चैनल, हक सच सोशल मीडिया, जहां सनसनी नहीं होंगी खबरें, मालूमात से भरपूर तजिए, वो भी आपकी सिंगल क्लिक पर। आज ही विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। हकीकत से बाखबर रहिए। अक्सर YouTube चैनल।